ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में जय सिंह उलास पांडे का नाम से चार्जशीट जारी की, उसके बाद जो है उन्होंने अपने पार्टी जिस पार्टी में थे पार्टी के संसदीय बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। मेरे साथ उलास पांडे जी हैं, पार्टी के संसदीय बोर्ड से इस्तीफा दे दिए, अब आगे क्या क्या रूल? आगे जो चार्जशीट जो तथ्यहीन झूठा आरोप पत्र में हमारा नाम जोड़ा गया है उसके खिलाफ हम लोग न्यायालय में जाएंगे। न्यायिक प्रक्रिया में और भारत के संविधान में हम लोगों को विश्वास है और न्यायालय से हमको न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि आप सत्य को परेशान कर सकते हैं पराजित नहीं कर सकते हैं। तो हमारे राजनीतिक विरोधियों के द्वारा कुछ एक पदाधिकारियों से साठ गांठ करके और ये भ्रामक राजनीति से प्रेरित राजनीतिक षड्यंत्र का एक हिस्सा बनाकर उन लोगों ने जो आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया है उसको न्यायालय में ही हम लोग जवाब देंगे और सच्चाई सामने लाया जाएगा और एक न एक दिन न्याय मिलेगा। और आप सब मीडिया के साथियों से भी हम निवेदन और आग्रह करेंगे कि इस घटना के पीछे क्या सच्चाई रही है, आपको भोजपुर जाना चाहिए, आरा जाना चाहिए, आरा के लोगों से बात करना चाहिए, वहाँ के आम आवाम से मिलना चाहिए और सबका राय जानना चाहिए किस तरीके का वहाँ पर क्या ऐसा वजह आ गया कि 12-14 साल बाद 12-13 साल बाद आप अचानक से मेरा नाम उसमें जोड़ दिए। 2012 में यह कांड हुआ था, 2012 के बाद 23 के लास्ट महीने में इस तरीके का नाम आया सामने। अब 24 का चुनाव सामने है ना, 2024 का चुनाव लोकसभा का सामने है, तो इस चुनाव में हमको रोकने के लिए, हमारी पार्टी को कमजोर करने के लिए, हमारे नेता के बढ़ते लोकप्रियता पर आक्षेप लगाने के लिए इस तरीके का षड्यंत्र रचा गया है। राजनीतिक विरोधियों को कभी इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। पार्टी के संसदीय बोर्ड से इस्तीफा दे रहे थे तो क्या अपने नेता को सूचित किया? हाँ, हमने अपने नेता को अवगत करा दिया है कि हम राजनीतिक रूप से पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहेंगे, कभी भी हमारे पार्टी के ऊपर कोई उंगली न उठाए, इसके लिए हमने अपने संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा। आगे क्या करेंगे? आगे न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे और सच्चाई के साथ न्यायालय में अपने मजबूती से पक्ष को रखा जाएगा कि घटना का जो दिन और तारीख है उस दिन हम पटना में उपस्थित थे और हमारे साथ सरकार के ही 5 अंगरक्षक उपस्थित थे जो उसके सत्यता के प्रमाण हैं। और दूसरी तरफ स्वर्गीय ब्रह्मेश्वर मुखिया जी से ना तो मेरी कोई दुश्मनी थी और ना उनके हत्या से हमको कुछ लाभ होना था, तो ऐसे परिस्थिति में किसी भी हत्या का किसी भी अपराध का कोई उद्देश्य होता है तो ना हमको उनसे फायदा था उनके हत्या से और ना उनके मृत्यु से हमको कोई ये था, भाई उनसे कोई दुश्मनी थी ही नहीं। तो ऐसे परिस्थिति में भ्रामक आरोप लगाकर हमारे राजनीतिक छवि को जो कमजोर करने का प्रयास राजनीतिक विरोधियों ने किया है उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। चलिए, थे उलास पांडे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी राजनीतिक करियर को धूलिल करने के लिए इस तरीके का षड्यंत्र रची गई है, लेकिन हम लोग न्यायालय का शरण लेंगे। आगे देखना होगा न्यायालय में ये लोग शरण लेते हैं तो क्या होता है। सहयोगी हीरा लाल के साथ विवेक रंजन, न्यूज बैस को पटना। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।